हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया। आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा रायबरेली वाले ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कनाडा आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक एक बहुत ही अजीब सा टॉपिक है। आज बैठा हुआ था दिन में घर पे, तो सोच रहा था कि आज फेसबुक रेडियो है तो उसमें कौन सा टॉपिक चुना जाए। तो आज मैं दोस्तों टॉपिक चुना है, उसका टॉपिक का नाम है कुछ भी हो सकता है। दोस्तों 5 मिनट रहें साथ, बहुत मज़ा आएगा। तो टॉपिक है कुछ भी हो सकता है। इसके पहले मैं आगे चलूं दोस्तों, दो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। द पावर ऑफ अननोन एंड द स्केयर ऑफ नोन। दोस्तों इसके पहले मैं पावर ऑफ अननोन की तरफ चलूं, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं द स्केयर ऑफ अननोन और अपनी हम लाइफ को हेल्प बना लेते हैं इस स्केयर ऑफ अननोन। चलिए थोड़ा इसको एलिब्रेट करते हैं कि ये द स्केयर ऑफ नोन क्या है। दोस्तों होता क्या है, ये कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पैदा होते हैं, फिर फिर हम क्रॉल करना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बड़े होते हैं, शादी होती है, जॉब लगती है, बच्चे होते हैं, वो बड़े होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, और हम फिर रिटायर होते हैं, हम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर ये क्या है, ये हमारी नोन टेरिटरी है, इसको बोलते हैं स्केयर ऑफ नोन। नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम एज यू ग्रो देन यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस थिंग्स। सो दोस्तों कभी कभी जो ये नोन जर्नी हमारी होती है बहुत स्केरी लगती है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। लोग क्या होते हैं, बड़ी अच्छी जॉब मिलती है शुरू में और बड़ा अच्छा बिजनेस चलता है भाई, वो करोड़ भी आ गए, 5 करोड़ भी आ गए, लेकिन उसके बाद फिर वही कहानी, अरे ये सब कुछ। तो दोस्तों मुझे राज कपूर साहब की वो तीसरी कसम का गाना याद आता है, उसकी एक दो लाइनें मैं गुनगुनाऊंगा क्योंकि वो सही कॉन्टेक्स्ट है। और देखिए सबको गाना शायद याद आ गया होगा मैं किस गाने की बात कर रहा हूं दोस्तों। हाँ वही गाना। तो चलिए वो गाना क्या है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। लेकिन दोस्तों इस गाने में एक लाइन बीच में आती है और वो लाइन क्या बोलती है, वो लाइन बोलती है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और फिर बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है सजन रे झूठ। सो बुढ़ापा देख कर रोया दोस्तों। तो क्या होता है कि ये हमारी नोन जर्नी होती है, बहुत मजा और बहुत एक्साइटमेंट इसमें नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, तो क्या होता है कि जब ये नोन जर्नी जीते हैं, आपकी पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, जो हमेशा से होता चलाया करते हैं, कुछ अलग हटके नहीं करते हैं, तो क्या होता है वो हमारा नोन स्केयर होता है, कोई बहुत मजा नहीं आता है, लोगों में बोरियत हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो क्या है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाते हैं लाइफ में, और एक्साइटमेंट लाने के लिए थोड़ी सी हमें चीजें क्या करनी होती हैं, हम बोलते हैं थोड़ा सा उसको रिस्की बनाना होता है लाइफ को। दोस्तों यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ, सभी को मालूम होगा और मैं उसको रिपीट करूंगा, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक द रिस्क। या तो जब आप रिस्क लेते हो तो आप इंजॉय करते हो, क्या इंजॉय करते हो, पावर ऑफ अननोन। लेट्स गो लिटिल डीपर इन टू पावर ऑफ अननोन, क्या मतलब क्या है। दोस्तों मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं कि गांव में पैदा हुआ, किसान परिवार में, और वहां पर पला बढ़ा, और स्केयर ऑफ नोन क्या था, उसी गांव में पापा के साथ खेती करता, खेतों में काम करता, उनके साथ किसानी काम करता, और एक दिन एज ए किसान मर के चला जाता। कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन पैदा हुए हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड टू ट्रेवल दैट जर्नी, अननोन जर्नी, टू यूटिलाइज द पावर ऑफ अननोन। गाँव छोड़ा, गाँव से इलाहाबाद गया, कभी गया नहीं था उस शहर में, वहां पर गया, वहां से पढ़ाई लिखाई की, अनदर अननोन जर्नी, दिल्ली जाता हूं, किसी को वहां नहीं जानता हूं दोस्तों, वहां पे कुछ समय बिताया, अगेन एक जर्नी, उस जहाज की जर्नी, कभी बैठा नहीं था, और वो मिडल ईस्ट बहरीन की जर्नी, बहरीन से अमेरिका की जर्नी, अमेरिका से कनाडा की जर्नी, और कनाडा से आज इस सोशल मीडिया और इंटरनेट की जर्नी, पावर ऑफ अननोन। सोचा कि एक ही रेडियो शुरू करते हैं और फेसबुक ने एक फ्री ऑप्शन दिया हुआ है, और अपने दोस्तों से हिंदुस्तान में बात करते हैं, और दोस्तों ये पावर ऑफ अननोन, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे आप जैसे दोस्त कनेक्ट होंगे, ऐसे कमेंट्स करेंगे, फोन पे आएंगे, बात करेंगे, और इतना मजा आएगा, और पता नहीं कितनी बड़ी और
इसमें चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया में मैं हर मार्च में जाता हूँ, वहाँ स्पीचेस देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, हेल्प करता हूँ, हो सकता है कि वो आगे चल के पेड स्पीचेस हों, बुक्स लिखूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ में कुछ ऐसा जरूर करो कि कभी जब आप एकांत में बैठो और आपको लगे अरे अब ये लाइफ, लेकिन अचानक आपको याद है अरे हमने एक वो चीज़ की हुई थी। हो सकता कोई आपने इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर खरीदा हुआ था। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा कि कैसे वो एग्जांपल आप कौन सी चीज़ें करें जिससे आपको ये लगेगा अरे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कुछ भी हो सकता है स्टेटमेंट, वो आपके लाइफ में एक पॉसिबिलिटी लाता है, एक होप लाता है, अरे कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा अपने साले साहब का। तो अभी एक दो हफ्ते पहले उनसे बात हो रही थी, तो हमारे साले साहब हैं, नाम उनका आशीष मिश्रा। तो वो क्या करते हैं, सहारा के ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस वगैरह के वो प्लान अपने क्लाइंट्स को सेल करते हैं। तो हमसे बात करने लगे, बोलते राकेश मैंने क्या किया है कि एक ऑफिस में गया सहारा में, तो एक हमारे मैनेजर ने बोला कि अरे आशीष कुछ लोग सेलेक्ट किए गए हैं, तो वो 20,000 रुपए की वो बिग क्वाइन एक नई चीज़ आई है, थोड़ा रिस्की है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन मैंने खरीद लिया, कोई गलती तो नहीं की। अरे हम कहा गलती नहीं कि तुमने बहुत अच्छा किया, मैं कनाडा में बैठ के ये क्रिप्टो करेंसी और बिग क्वाइन इस पर बहुत सारा स्टडी करता हूँ, लेकिन डर रहा हूँ अभी तक मैंने नहीं लिया। और तुम उस जगना उसका कहते हैं कि वो रायबरेली के गाँव में रह करके तुमने 20,000 रुपए के बिटकॉइन खरीद लिए। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात की दोस्तों। इसको बोलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो बिटकॉइन के लिए, मैं आइडिया के लिए देता हूं कि बिटकॉइन का मान लें कि 1 रुपए का था जब शुरू हुआ था दोस्तों, आज उसकी कीमत करोड़ों में है एक यूनिट की। तो एक मैं ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाता हूं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा जानकारी उसके बारे में अभी हमें नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, या अगर बात करना चाहें तो यू कैन रीच आउट टू मी। तो दोस्तों हमारे सारे साहब ने क्या किया कि उन्होंने वो 20,000 रुपए के वो बिटकॉइन खरीद लिया। अब वो क्या है, कभी कभी उनके दिमाग में आएगा ये कुछ भी हो सकता है, वर्स क्या होगा, 20,000 उनके जीरो हो गए। तो 20,000 रुपए जाने का उतना गम नहीं होगा जितना ये सोच के कि ये 20,000 रुपए 20 लाख भी हो सकते हैं, 20 करोड़ भी हो सकते हैं। तो वो सोच का एक पॉसिबिलिटी, एक होप और एक खुशी। तो दोस्तों कुछ भी करो अपनी जिंदगी में, कुछ काम ऐसे जरूर करो जिनसे कभी एकांत में अगर बैठो सुकून में तो लगे अरे हमने वो किया था, कुछ भी हो सकता है। वर्स क्या होगा, जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो आपने वो स्टेप लिया, सकता है उसका रिटर्न जीरो, दैट्स इट। तो उसका उतना डर नहीं होगा दोस्तों जितना कि खुशी होगी ये सोच के कि कुछ भी हो सकता है। मेरा देख लो, मैं चलती चलती जॉब को डिसाइड किया कि जॉब से छुटकारा पाके कुछ और करते हैं, आप भी कर सकते हो। आज का बेस्ट टूल आपके समय सामने है, वो है सोशल मीडिया और इंटरनेट। आप 60 साल के हो गए हो, 70 साल के हो गए हो, तो क्या हुआ, जाके कोर्स ज्वाइन कर लो। क्या चाहिए आपको, आंखों से कम दिखता है, चश्मा टेस्ट कराइए और चीज़ों पे अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, जाइए कोर्स ज्वाइन कीजिए एंड जस्ट लर्न कैसे फेसबुक पेज बनाते हैं, कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यू डोंट नो हु इज वॉचिंग, कितने एग्जाम्पल हम देते हैं और लोगों से शेयर करते हैं, अरे उस लड़के ने अपना वीडियो डाला और वीडियो डाल के देखिए कहां से कहां हो गया। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जस्टिन बीवर बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो जस्टिन बीवर कैनेडा के हैं और जस्टिन बीवर हमारे घर में, जहां से इस समय आपसे बात कर रहा हूं रिचमंड हिल में, यहां से एक 200 किलोमीटर दूर जगह लंदन है। तो उसकी जो माँ थी, वो उनकी माँ जो थी वो सिंगल थी, डिवोर्सी थी, और उसके बाद उनको लेके अपने एक दोस्त के घर में बेसमेंट में रहती थी, और उस जगह का नाम है स्ट्रैटफोर्ड, यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर हमारे घर से दूर है। तो यहीं पे आके वो रहने लगी। तो वो बेसमेंट में क्या हुआ कि जस्टिन बीवर ने अपने ये वीडियोस अपना जो सिंगिंग के बना के और यूट्यूब में डालना शुरू किया। तो US में कोई एक मैनेजर थे, उन मैनेजर किसी म्यूजिक कंपनी के, आई डोंट नो मच डिटेल, उन्होंने देखा और अपने बॉस को दिखाया, बॉस को पसंद आया, एंड दैट गॉट कनेक्टेड, एंड दैट्स हाउ जस्टिन बीवर बिकेम जस्टिन बीबर। दोस्तों ये तो मैंने एक कैनेडा का एग्जाम्पल दिया। आज के टाइम पे आप देखते हो, अगर इंडिया में हो, वो कौन सा पूजा दीक्षक, यू नो दे आर सो मेनी पीपल एंड दे आर लिटरली मेकिंग लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज। तो ऐसा कुछ करो तो इससे क्या होगा दोस्तों कि कुछ भी हो सकता है, या
कोई रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी है या कोई एक नई स्किल आप सीखते हो और उसको शुरू करते हो, उसके बाद वो कितना बड़ा, कहाँ से कहाँ क्या हो सकता है। दोस्तों आज भी मुझे याद आता है, लक्ष्मी नगर में दिल्ली में रहता था, एक जैन टिक्की वाला था, ऑफिस से आता था और उसकी 5 रुपये की टिक्की थी, बहुत बढ़िया थी, अपनी कावासा की 4 स्ट्रोक लगाया साइड में और वो 5 रुपये, जैसे मतलब घर के लिए जाना शुरू करता था मुँह में पानी आने लगता था कि अरे जैन टिक्की खाऊंगा, उसे थोड़ी सी चटनी डलवाऊंगा और थोड़ा सा प्याज डलवाऊंगा और थोड़ा सा तीखा डलवाऊंगा और मुंह में पानी आने लगता था दोस्तों, जाके वो टिक्की खाता था। तो आज भी जब 10-15 साल के बाद एक बार हम कहा चलिए फिर मिलने जाते अपने मेहता अंकल से जिनके यहाँ रहता था, वहाँ पे गया तो हम कहा चलिए फिर टिक्की खाते हैं, पता लगा कि उस टिक्की के सामने की पूरी बिल्डिंग उस जैन टिक्की वाले ने खरीद ली और बढ़िया वहाँ पे यू नो। तो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई वहाँ के हैं सुन रहे हैं तो ये मैं बात कर रहा हूँ मंगल बाज़ार और विजय चौक के पास की और एफ ब्लॉक की, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ जैन टिक्की वाला, दोस्तों जो लोग जानते होंगे तो मैं क्या, इतने बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हम दूसरों को एग्जाम्पल देते हैं, अपने चाचा के, ताई के, मामा के, मामू के, लेकिन हम अपना खुद एग्जाम्पल भूल जाते हैं कि हम क्या स्टेप लें। दोस्तों वो आपका समय आ गया है, आप स्टेप लो, आप सोशल मीडिया, आप इंटरनेट, आप इनको यूज करो। दोस्तों आपने IIT किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ है, BA किया हुआ, BCom किया हुआ है, कौन सा कोर्स किया हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, जाके आप जॉब पकड़ लो। जॉब पकड़ना भाई एक सिस्टम है कि वो दैट इज नोन टेरिटरी है, उसको बोलते हैं स्केयर ऑफ नोन, आपको जॉब पकड़नी पड़ेगी नहीं तो आपकी शादी मुश्किल आती है, समाज क्या बोलेगी यू नो, तो आपको पकड़ना है, ठीक है पकड़ लीजिए, लेकिन दोस्तों 168 घंटे हफ्ते में होते हैं, या चलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे आप अपनी जॉब के निकाल लीजिए, 8 घंटे जॉब, 4 घंटे आने जाने के, 12 घंटे उसके निकाल लीजिए और 8 घंटे आप सोने के निकाल लीजिए, तो 12, 8, 20, 4 घंटे में 2 घंटे आप अपने खाने पीने के निकालिए, तब भी 2 घंटे पर डे के बचते हैं और वीकेंड में चाहें तो 6-7 घंटे निकाल सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू वांट, अगर आपके अंदर लगन है 10 घंटे आप हर हफ्ते दे सकते हैं अपने किसी साइड उस चीज के लिए जिसको कि सोच के आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जाके एक फ्री वेबसाइट शुरू कर दें, जिस चीज़ के बारे में आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में लिखना शुरू कर दें, या उसके बाद ऑडियो बना के शुरू कर दें, वीडियो बना के शुरू कर दें, पता नहीं कब किसको क्या पता लग जाए कि तुम किसकी हेल्प कर सकते हो, या अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में और अपने प्रांत में, अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा सोच लें कि जो कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन के लिए कुछ देना शुरू कर दें। दोस्तों बहुत मज़ा आएगा दोस्तों को जब वो आपकी इस सर्विसों का यूज करेंगे। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, अपने ही गांव में मेरी कुछ जमीन है जगना खेरा में पापा की सड़क के किनारे, तो वो गांव है बिल्कुल, तो उस गांव में मेरा भाई था जो बीच वाला, तो उसने NIT से अपने जो IT अपने की हुए थे कोर्सेज वगैरह और उसको घर में रहना पड़ा कारण बस, तो उससे बात किया और उसको इंटरेस्ट भी था, तो मैंने क्या किया कि जाके वहां पे एक बिल्डिंग बनवा दिया और उसमें कंप्यूटर ला के ट्रेनिंग और ही बिकेम द ट्रेनर, नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल, और अगर इतना अच्छा नहीं भी कर रहा है तो और पता नहीं कितना अच्छा कर ले। लकली क्या हुआ कि जब उन्होंने, और वो कॉलेज भी ऐसे मैं ऐसे खोला था कि एक दिल में अरमान थे कभी IIT जाना चाहता था, नहीं हुआ दोस्तों, फिर जब US में आया तो वहाँ MIT जाना चाहता था, वहाँ भी अभी तक नहीं हुआ लेकिन अभी भी ड्रीम है कि MIT से चाहे कुछ भी करूँ करूँगा ज़रूर, तो ना तो MIT में हुआ ना IIT में हुआ, तो मैंने MIT और IIT दोनों को जोड़ के MIIT मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके वो इंस्टीट्यूट खोल दिया और उसको भाई चला रहा है। तो दोस्तों हुआ क्या कि उसके चलाने के बाद जस्ट सामने पेट्रोल पम्प खुल गया और उससे 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर डिग्री कॉलेज खुल गया और आगे बैंक खुल गई। कहने का मतलब है कि अब और धीरे धीरे यू नो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी एक लर्निंग कंप्यूटर वगैरह ये मस्ट हो गया है, तो अब उसका और पता नहीं कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं, तो कितना स्कोप, तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ या मेरा भाई बोल सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जॉब करते हुए, जो काम बिजनेस करते हुए, कुछ साइड में ऐसा जरूर करो कि जो कि पावर ऑफ अननोन की कैटेगरी में आता है दोस्तों, कि जिसके बारे में आपको बहुत कुछ मालूम नहीं है और लेकिन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिटकॉइन खरीदना हो, चाहे एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना हो, चाहे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, चाहे कभी आप सोच सकते हो मैं आपसे 12,000 किलोमीटर दूर फॉर फ्री
आप फेसबुक में जाएं और फेसबुक में अब आप जैसे आप लाइव करते हैं उसी में एक ऑप्शन है यू नो ऑडियो लाइव का, वो मैं कर रहा हूं एंड फॉर फ्री और आप लोगों से पहुंच रहा हूं। कितने लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होने से याद आया दोस्तों, कोई भी आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, तो आप सीधे, थोड़ा धीरे धीरे काफ़ी बिजी होने लगा हूँ लेकिन तभी मैं वक्त निकालूंगा, तो उसमें आप जाएं www.coachrakesh.com/ मतलब जो स्लैश आता है वो सामने ऊपर से जो आगे को झुकी हुई जो डंडी होती है उसके बाद कनेक्ट लिखें, सो coachrakesh.com/connect, तो उससे क्या होगा कि एक इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आप मुझे 15 मिनट टाइम जो भी स्लॉट अवेलेबल हो उसको क्लिक करें और मैं आपको कॉल करूंगा, आपसे बात करूंगा। सो दोस्तों कुछ भी करें, किसी को आप ईमेल लिख सकते हैं, आप अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं फाइनल ईयर में हैं और आपको मालूम है कि ये सारी कंपनी आपके यहाँ कैंपस इंटरव्यू लेने आती हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, वहाँ के कंपनी को, वहाँ के हेड को, एचआर को अपने आप से एक ईमेल लिखें, यहाँ से लेकर के टाइप करके कैसे भी भेज दें, 10 कंपनियों में भेज दें, क्योंकि 10 कंपनियों में भेजेंगे और आप अपनी प्रोफाइल भेजेंगे, यू डोंट नो यू माइट बी कॉल्ड, अगर आपका कैंपस नहीं हुआ ऐसे भी बुलाया जा सकता है। या दोस्तों क्या करें कि एक छोटा सा 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो मैसेज बना सकते हैं, उसको इस कंपनी में भेज सकते हैं, या आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं लिस्ट बनाएं कि आपके सीनियर्स कहां कहां पे हैं, किसी तरीके से कॉलेज से पता करें कि आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले हमारे सीनियर यहां से निकल के कहां कहां हैं, कभी कभी वो इंफॉर्मेशन हैंडी होती हैं, उनको लिखें। सीनियर्स हमेशा अपने जूनियर्स को एक भाई की तरह बिहेव करते हैं, मेरे कितने जूनियर्स हैं, उनको मैंने कितनी गाइडेंस और हेल्प की, और मेरे खुद कैसे सीनियर्स हैं जो एक बड़े भाई का रोल अदा किया है, दोस्तों मेरे से तो आप बात करोगे तो मैं तो एक पॉसिबिलिटी का एक समुंदर हूं, मुझे लगता है कि ऊपर वाला भी ऊपर वाला भी जब ऊपर से जमी को देखता होगा तो क्या कहता होगा कि जीने के बहाने हजारों थे, जीना तो तुम्हें आया ही नहीं। दोस्तों आज का जैसा वक्त दुनिया में कभी भी नहीं था, ह्यूमन रेस में जितनी अपॉर्चुनिटीज जितनी पॉसिबिलिटीज आज हैं इतनी कभी नहीं थी। दोस्तों हम लोग भी थे उस समय, बात है अर्ली 90s की, अब हम 3 दोस्त याद आते हैं, परमहंस सिंह जो US में हैं और विवेक शर्मा जो इस समय आई थिंक लूसेंट में या अलकेटल में ही जनरल मैनेजर और समथिंग, और मैं, हम तीनों बात किया करते थे कि यार हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से हम लोग मिडिल ईस्ट जाएंगे, तो हम लोग आते ही पासपोर्ट बनवाए, वो लगन होती थी या तो ऐसी लगन रखें, जिंदगी को बहुत सीरियसली लेने के दोस्तों जरूरत नहीं है। हमेशा जिस तरीके से मैं अपनी बहुत सारी स्पीचेज एंड करता हूं कि एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग इट्स नॉट डन येट एंड वंस यू स्टॉप ब्रीदिंग हु केयर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कोई बहुत ज्यादा जिंदगी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, जो आए उसको केवल फेस करो एंड जस्ट डू योर बेस्ट, और एक कॉलेज जैसी एनर्जी, कॉलेज जैसी लाइफ। क्या हुआ कि आपकी शादी हो गई, क्या हुआ कि आपको बच्चे हो गए, क्या हुआ कि कोई एक बीमारी हो गई, सबका हल है, आप जो जितना अच्छा चाहो कर सकते हो। कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जिनके हाथ ही नहीं है, जिनके पैर ही नहीं है, और लोगों ने कितना बड़ी बड़ी चीज़ें की, तो दोस्तों आपके साथ अगर देखो तो कितनी सारी स्ट्रेंथ और कितनी सारी पावर है। किसी एक याद आता है कि बहुत समय पहले की बात है और ये लाफ्टर शो आता था, तो हमारे भगवंत मान जो कि अभी आपसे शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब से हैं, तो वो लाफ्टर शो में वो भी आते थे एज ए कॉमेडियन, तो वो बोले कि एक कभी याद उनकी जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि हे इंसान मत कर अपनी हाथ की लकीरों पे यकीन, हे इंसान मत कर अपने हाथ की लकीरों पे यकीन, नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। या तो दोस्तों ऐसी दुनिया है, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत लंबा हो गया है आज, ये भावुक हो जाता हूं ये देख करके कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे कैसे लोगों से बात कर सकूं और हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों जैसा कि बताया कि आज का टॉपिक था कि कुछ भी हो सकता है, तो दोस्तों कुछ ऐसा जरूर करो जिससे कभी लगे कि अरे कुछ भी हो सकता है, कि ये बिजनेस बड़ा हो सकता है। अब क्या किया कि जो आपकी एक्सपर्टीज है उसकी, एक अगर नॉर्थ अमेरिका या यूरोप इस बैकग्राउंड इस एरिया में आप रह रहे हो या इंडिया में भी, एक
का बुक लिख सकते हो, उसको आप अमेजोन में डाल सकते हो, बताइए आज अमेजोन इंडिया में भी है, वहां पे डाल सकते हो, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, पैसे की बात नहीं है, बात है इन्फ्लुएंस की, कि आप जब लिखोगे तो कुछ लोग उससे कनेक्ट करेंगे, उससे आप खरीदेंगे, फिर उसी से आप स्पीकर बन सकते हो। कितने सारे हैं, आप संदीप माहेश्वरी देखो और सोनू निगम, सोनू श्रीवास्तव या ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरीके से अपने आप को दुनिया में सामने एक्सपोज करो कि तुम्हारे अंदर क्या है, क्या हेल्प कर सकते हो लोगों की और क्या शेयर कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत, जैसा कि मैं फिर से बताया कि आप मुझ तक पहुंचना चाहो तो अगर मुझे लिखना चाहो तो youreachrakesh@gmail.com, सिंपल youreach Rakesh rakesh@gmail.com, या दोस्तों आप मेरे को क्या कर सकते हो कि coachrakesh.com/connect पे, या फेसबुक में, या गूगल में जाएं और राकेश मिश्रा टोरंटो, और हर जगह लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, सब जगह आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दोस्तों। और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस ऑडियो को जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको, बहुत लोगों को हो सकता है इससे कुछ चीज़ें अच्छी मिलें और कुछ चीज़ें अगर अच्छी ना लगें। मैं भी आपकी तरह आपका दोस्त हूँ और कभी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ और उससे एक्साइटमेंट हो जाता हूँ, तो उससे चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो हूँ ना, तो कहीं से मैं पढ़ के बोलता हूँ, जो अपने दिल में आता है हर मंडे को आपसे बात करके अपने दिल को हल्का कर लेता हूँ। ज़िंदगी तो सबकी चल रही है दोस्तों, तो कुछ भी अच्छा लगा हो उसके बारे में आप कमेंट लिखें, कुछ और ऐड करना चाहते हो, कुछ करेक्शन करना चाहते हो, वो भी ज़रूर कमेंट लिखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत, और जो हमारे स्क्रीन में जितने लोगों को मैं देख सकता हूँ कि स्क्रोल अप हो जाते हैं, बहुत सारे दिखते नहीं, तो मैं ज़रा उनको नाम, मैं आई वॉन्ट टू जस्ट शाउट आउट, हमारे विशाल भाई, विशाल कपूर जी, हमारे विशाल कपूर जी देखिए, ये हमारे फूल बागी, हमारे कानपुर के विशाल भाई हैं, और आज इन्होंने अपना झंडा गाड़ा हुआ है GTA में, और दो ही यहाँ की अच्छी मतलब काफ़ी लोकेशन मानी जाती हैं, एक रिचमंड हिल और एक ओकविल। ओकविल में हमारे विशाल साहब अपना रियल इस्टेट का झंडा गाड़े हुए हैं और मैं रिचमंड में रहता हूँ, बहुत हम क्लोज दोस्त हैं। व्हाट अ यू नो हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग। तो ये ऐसे दोस्त हैं दोस्तों, आप इंडिया से माइग्रेट होते हैं, कहीं से आते हैं, कोई भी रियल इस्टेट में आपको घर लेना है, कुछ भी लेना है, तो इनको जस्ट रीच करें, विशाल कपूर साहब को, और ये आपकी हेल्प करेंगे, या आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मैं उनसे कनेक्ट करवा सकता हूं। और गुरु विकास शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जैम मोहम्मद इस्माइल जी, थैंक यू वेरी मच। एंसू डोनाल्डसन, आई एम सॉरी, ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, बट सू आई डोंट थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम इन हिंदी, तो थोड़ा मुश्किल होगी, बट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बजिंदर सिंह जी, क्या बात है, क्या एनर्जी आपकी, यू आर अ पर्सन ऑलवेज थ्रो एनर्जी ऑल अराउंड वेयर एवर यू आर। एंड संजीवन थंगराज, थैंक यू वेरी मच। तनय शुक्ला जी, ऑल द वे फ्रॉम सलोन रायबरेली, आई होप यू आर बैक टू दुबई, अभी अभी भी हो सकता छुट्टी पे हो। सुधाकर सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, आपके पोस्ट फेसबुक में देखता रहता हूँ, बहुत इंसाइटफुल पोस्ट होते हैं। और नजीब हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। भास्कर सूरी, माई स्टूडेंट फ्रॉम डेली, थैंक यू वेरी मच भास्कर, आई डोंट नो इफ आई एबल टू एड सम वैल्यू, बट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। लिजी ट्राई, थैंक यू वेरी मच लिजी, एंड आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दो इट्स मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश, एंड मोस्ट ऑफ टाइम आई एम इन हिंदी। एंड अल्पेश बाबू, थैंक यू वेरी मच, वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम टू कैनेडा, ऑल द बेस्ट फॉर योर इमिग्रेशन। तरंग जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। रूपी, आई डोंट नो यू आर इन अबू धाबी और इंडिया, स्टिल वैकेशनिंग, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। संतोष नायर, थैंक्स अ लॉट संतोष, थैंक यू वेरी मच, वन ऑफ माई स्टूडेंट लॉन्ग लॉन्ग बैक फ्रॉम 2002। एंड देन रहीम सिराज, थैंक यू वेरी मच। अशोक अग्रवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। लिसा गुडन, थैंक यू वेरी मच लिसा फ्रॉम US, I am really, really sorry this, not sorry basically, because this is the show, it's a Hinglish, Hindi and English, for mostly for my Indian audience, and so, but anyway, thank you very, very much, from bottom of my heart, I salute each and everybody joining me on this Facebook radio live, guys, thank you very much, reach out to me, write to me, youreachrakesh@gmail.com, if you want to talk to me, coachrakesh.com/connect. So thank you very much, and please do share on your Facebook timeline, wherever, whatever the way. And it's so easy. Sometimes you might be thinking, hey, I also want to do, how can I do it? Just
try. Otherwise, connect to me. I will help you out based on the availability of my time. And I will be really, really happy to help you. So, doston, yaad rakho, kuch aisa zarur life mein karte jao. Power of, jiska kya be, power of अननोन का एडवांटेज मिले और कह सको कि कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसा कुछ किया हो सकता है, ये यू नो इतना बड़ा बिजनेस बन जाए. लेकिन शुरू तो करोगे, लॉटरी की टिकट नहीं खरीदोगे तो लॉटरी कैसे निकलेगी दोस्तों, हम सभी को मालूम है. लेकिन कितने लोग इस पे एक्ट करते हैं. लेकिन आपको पावर ऑफ जो स्केयर ऑफ नोन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसा कि एक बार फिर से, क्योंकि बहुत ही पसंदीदा गाना है और आपको विदा लेने से पहले वो गाना गुनगुनाना चाहता हूँ, तीसरी कसम का राज कपूर साहब का फिर से, कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है. लेकिन उसकी वो लाइन बहुत टच कर जाती है और वो लाइन बोलती है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है. सजन रे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. तो उसके पहले कुछ ऐसा करके जाते हैं कि जीते जी तो लोग मर मर के भी जी लेते हैं, कर जाओ कुछ ऐसा कि मरने के बाद भी जिंदा रहो दोस्तों. सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और वादा करता हूं अगले मंडे 9 बजे इंडियन टाइम सुबह फिर से मिलने के लिए. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.